बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। स्वास दिलोजन गुरुदेव के आत्म बोध वठी कयो। अंतर्मुख अभ्यास मिली से महबूब सा मौजू माण खास। टेऊ जब जो त्रास कह टेऊ कुछ ना रहे। कह टेऊ कुछ ना रहे। कह टेऊ कुछ ना रहे। वरती ओ सच्चे सतगुर देव जी लगो लथी तिन जेसरा मथा। सब पापन जी पोट तेऊ इश्क अजीब जी तिन खे लगी चोट। भनी कर मन को सुखी थ्या स्वरूप में। सुखी थ्या स्वरूप में। सुखी थ्या स्वरूप में। श्लोक माला 28। तन मन धन ऐ श्वास तिनो जह गुरुदेव के। जिसने गुरुदेव के पावन चरणों में अपना शरीर और मन प्राण अर्पण कर दिए। आत्म बोध वठी कयो अंतर्मुख अभ्यास। और जो जिज्ञासु गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करके अंतर्मुखी होकर उसका अभ्यास करता है, मनन करता है, वो उस परमात्मा से मिलके परम आनंद को प्राप्त करता है। खुशी आनंद और परम सुख से मिलता है। तिनके जम जो त्रास फिर उसको यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। तो गुरुदेव की चरण शरण में बैठ के जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करके और यम यातना से मुक्त हो जाता है। श्लोक माला 29। जिनी वर्ती ओट सचे सदगुरु देव जी। जिन्होंने सत्य गुरुदेव की शरण ली है। लथी तन जे सिर मथा सब पापन जी पोट। उसके सिर के ऊपर जो पापों की पोटली थी जन्म जन्मांतर की, वो सभी पाप उसके विनष्ट हो जाते हैं। टेऊ इश्क अजीब जी। परमात्मा के प्रेम की उसके हृदय में चोट लगती है। अंतर में प्रेम जागृत होता है। भनी कर्मन कोट कर्मों का किला जिसमें ये कैद है जन्म जन्मांतर से, और कर्म के बंधन में बंधा हुआ जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। उस कर्मों के किले को तोड़ के अपने सत स्वरूप में सुखी गुजारता है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेमसा
पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खानी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषनी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली
और द्वावली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।